बैंक कर्मचारियों ने वेतन विसंगति को लेकर आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस हड़ताल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन सहित कई बैंकों की यूनियनों के पदाधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए एटीएम में कैश की उपलब्धता रहेगी। अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों में खासा रोष है, जिसके चलते करीबन 9 बैंक यूनियनों के कर्मचारी और पदाधिकारी 31 जनवरी और 1 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे। यह बात यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के कन्वीनर गोपाल शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि 1 नवम्बर 2017 से वेज रिविजन लंबित था, जिसके चलते इंडियन बैंक यूनियन को एक मांग पत्र भी सौंपा गया था, लेकिन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य के समय का निर्धारण और पेंशन सहित कई मांगे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस हड़ताल के बाद भी उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जाता तो वे 11, 12 और 13 मार्च को 3 दिवसीय हड़ताल करेंगे, लेकिन उसके बाद भी यदि गंभीरता नजर नहीं आती तो बैंक कर्मचारी 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। 1/11/2017 को हमारा वेज रिविजन ड्यू था और उस के चलते हमने चार्टर ऑफ डिमांड हमने जो आईबीए को दिया था, उसके बेस पे जो अभी तक हमारी जितनी भी मीटिंग्स आईबीए से हुई है, हमारी डिमांड गंभीरता से नहीं ली गई हैं। और जब भी हमारी मीटिंग्स अभी तक हुई हैं, उसमें नाम मात्र को लेकर ही हमें इंक्रीज़ दिया जा रहा है। इनिशियली स्टार्ट हमें 2% से उन इंक्रीज़ का किया गया था और आज की तिथि में हमारे को जो दिया गया है इंक्रीज़, वो 12.25 2.5% का इंक्रीज़ दिया गया है, जबकि हमारी डिमांड 20% इंक्रीज़ की है। तो हम ये, इसके अलावा हमारे 5 डेज वीक का हमारी डिमांड है, पेंशन अपडेशन का हमारी डिमांड है, फैमिली पेंशन रिवीजन का हमारी डिमांड है। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और आईबीए से ये हमने इशू रखा है कि ये जल्द से जल्द मिले। फ्यूचर प्रोग्राम है, लगभग हमारे जो यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस के अंतर्गत हमारी जो 9 यूनियंस हैं, लगभग 10 लाख एम्प्लॉइज जो हमारे स्ट्राइक पे रहेंगे, क्योंकि हमारा अभी जो एजिटेशन प्रोग्राम जो चल रहा है वो ऑन डेली बेसिस पे चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन हमारा चल रहा है। 31 और 1 फरवरी में हमारी 2 स्ट्राइक हैं अभी, उसके बाद अगर हमारी डिमांड्स पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम 11, 12, 13 मार्च को फिर हम स्ट्राइक पे जाएंगे और उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है 1 अप्रैल के बाद हम इनडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। आपके माध्यम से हम ये केंद्रीय सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन को हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि हमारी ये जो जेन्युइन डिमांड है इस पर गौर किया जाए। और हमने कोई ज़्यादा डिमांड नहीं किया है, क्योंकि हम जो सेंट्रल पे कमीशन में जो इंक्रीज़ मिला है, हमने तो डिमांड उसके लेवल पे रखा था 20% 25% मिनिमम डिमांड, 20% हमने रखा है अगेंस्ट 25% जो सीपीसी में जो मिनिमम इंक्रीज मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।